उधर जापानी शिप में फंसी भारतीय लड़की सोनाली ठक्कर ने फिर सरकार से गुहार लगाई है। कोरोना वायरस से कई मरीज शिप पर हैं, लेकिन सोनाली ने कहा कि उसका टेस्ट नेगेटिव है और सरकार उन्हें यहां से निकाले। नमस्ते, मैं सोनाली ठक्कर, डायमंड प्रिंसेस जापान से आज फिर एक बार हमारी इंडियन गवर्नमेंट मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे लिए कुछ हेल्प भेजें। आज 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं क्वारंटीन को, हम इस शिप पे हैं, हमें अब तक इसी शिप पे रखा गया है और हमारे टेस्ट भी कंप्लीट नहीं हुए। हम सारे क्रू मेंबर अभी भी हेल्प की इंतजार कर रहे हैं। हम सारे क्रू मेंबर अभी भी वेट कर रहे हैं कि हमारे टेस्ट्स हो और हमें अलग कर दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।